Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, aap dekh rahe hain First Right TV aur main hoon aapke saath Milon Bhansali. RTC Network ki hui Meerut mein shuruaat, ab har dukandar ke liye saman khareedna hoga aasan. Aaj dopahar theek 12 baje shahar mein upbhoktaon aur vikretaon ke liye RTC Network ki shuruaat ho chuki hai. RTC ka mukhya uddeshy e-commerce mein krantikari badlav laane ke liye ek suvidhajanak model ka nirman karna hai. ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। बता दें आरटीसी इंटर ऑपरेशन ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी गार्डन के आईपीएस अनिल अग्रवाल ने बताया कि ये कोई एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म माध्यम या सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका सीधा उद्देश्य हर दायरे और आकार के विक्रेताओं के लिए ई कॉमर्स को सक्षम कराना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता और विक्रेता आरटीसी से जुड़कर इसका फायदा उठाए। को लेकर यूपी गार्डन के आईपीएस अनिल अग्रवाल ने यह जानकारी दी। मेरा नाम अनिल अग्रवाल है और मैं यूपी गार्डन का आईपीएस हूँ। 1988 बैच जो आपका यूपी 112 आजकल आप लोग देख रहे हैं वो मेरे टाइम में मैंने बनाया था, अगर आपको पता हो। वो करने के बाद में फिर मुझे केंद्र सरकार में कार्य करने का सौभाग्य मिला और मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड में आजकल एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत। जब लॉकडाउन में सारे नागरिक अपने घरों में बंद है, उनके लिए जो एसेंशियल सप्लाईज है, खाने पीने का सामान, दूध, ब्रेड, सब्जी, अन्न वगैरह, ये कैसे पहुंचाया जाए, ये सारा काम जो लोकल किराने की दुकानें हैं वही करेंगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब कोई ऐसा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें कि वो जो नागरिक है वो अपने दुकानदार से कनेक्ट करके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सके और वो सामान दिया जा सके। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमने कोशिश की, कई जिलों में व्यापारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ में मिलकर के कुछ जो लोकल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स थे उन पे उनको ऑनबोर्ड कराया। लेकिन फिर ये समझ में आया कि एक दुकान को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाने में जितनी मेहनत लगेगी उतनी ही मेहनत दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, उतनी ही मेहनत तीसरे प्लेटफॉर्म पर है और हर बार एक व्यापारी को, एक दुकान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने ये सोचा कि क्या यह संभव नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, जैसे यूपीआई ने किया। आप सब यूपीआई का प्रयोग करते हैं और यूपीआई की जो ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी है पेमेंट स्पेस में वो आप सब जानते हैं। एक कोई खरीदार होता है, एक कोई सेलर होता है, फिर पेमेंट होता है और फिर जिस आदमी ने सेल किया उसको वो चीज वहां से वहां ले जाकर के उसको देनी होती, डिलीवरी होती। तो ये चार एलिमेंट्स हैं। क्या हम इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं? बड़े प्लेटफॉर्म्स में वो सक्सेसफुल ई कॉमर्स तभी होता है जब ये चारों चीजें हो। हमने ये सोचा कि क्या इनको अलग अलग कर दें और फिर बीच में इंटरनेट की तरह का कोई एक्सचेंज बनाए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को करके कि कोई भी दूसरे आदमी को ढूंढ सके, जैसे हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं। अब इंटरनेट में आपके इंटरनेट की खास बात क्या है कि आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर नेटवर्क पे जुड़ा है तो अगर एक इंटरनेट का बीच में से कोई नोड टूट भी जाए तो भी इंटरनेट की कम्युनिकेशन कभी ब्लॉक नहीं होती, वो चलती रहती है। उसी तरह से ONDC है। तो अगर ये चार एप्लीकेशंस अलग अलग जो है वो ONDC के स्टैंडर्ड पे आ जाती है तो कोई भी किसी भी और से अपनी सूचना ले सकता है और उसको दे सकता है। इसलिए इसमें नागरिकों को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा और व्यापारियों को भी फायदा होगा। वो कंज्यूमर को ज्यादा पावर मिलेगी चॉइस की और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते मिलेंगे और व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने का ई कॉमर्स के जरिए एक सस्ता सुलभ साधन मिलेगा।